Hello everyone, welcome to the C classes. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच ए आर. अब ये गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर क्या है? ये है सिंगल करेक्टर इनपुट फंक्शंस. अभी तक हम कौन से इनपुट फंक्शन के बारे में जानते हैं? वो है स्कैनर. स्कैनर से हम कोई भी डाटा जो है अपना वो इनपुट करा सकते हैं. ये जो फंक्शंस हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, ये भी डाटा इनपुट कराने के लिए हैं, पर इनसे क्या इनपुट होगा? एक सिंगल करेक्टर. अब क्वेश्चन ये आता है, अगर तीनों ही सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए हैं तो तीनों में क्या डिफरेंस है? तो आज हम इस क्लास में वो देखेंगे. जी हाँ, सिंगल करेक्टर इनपुट फंक्शंस गेट सी एच, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच ए आर. जो गेट सी एच फंक्शन है, गेट सी एच फंक्शन में जो करेक्टर हम इनपुट कराते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक तो वो हमें दिखाई नहीं देगा. जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने गेट सी एच फंक्शन लगाया तो हमसे जो है वो कंप्यूटर ने इनपुट मांगी स्क्रीन पे. गेट सी एच की वजह से कर्सर रुका स्क्रीन पे और हमने क्या देना है? सिंगल करेक्टर. तो जो करेक्टर मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, एक तो वो जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर. और सेकंड चीज़ क्या है, जब हम स्कैनर यूज़ करके इनपुट कराते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एंटर की प्रेस करनी पड़ती है डाटा देने के बाद. चाहे हमने इंटीजर दिया, चाहे फ्लोट पॉइंट नंबर दिया, उसके बाद क्या प्रेस करना पड़ता है? एंटर. बट जब हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं सिंगल करेक्टर इनपुट के लिए, तो करेक्टर देने के बाद एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट डजंट वेट फॉर एंटर की. तो जो हमारा डाटा है वो इनपुट हो जाता है हमारा करेक्टर प्रेस करते. अब अगर हम नेक्स्ट देखें, गेट सी एच ई को देखें, तो जो सिमिलैरिटी दोनों में है और जो डिफरेंस है वो ये, गेट सी एच ई में जो करेक्टर हम इनपुट कराएंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा. सपोज मैंने फंक्शन लगाया गेट सी एच ई, तो कर्सर जो है वो मेरा रुका इनपुट लेने के लिए. अब मैंने करेक्टर कौन सा दे दिया? ए प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो वो जो ए है वो मुझे दिखाई देगा आउटपुट स्क्रीन पर, यानी वो करेक्टर मेरा डिस्प्ले भी होगा. जो सेकंड चीज है वो सेम है कि इसमें भी हमको लास्ट में एंटर की प्रेस नहीं करनी. मतलब जैसे ही हमने करेक्टर प्रेस किया वो जो है हमारा मेमोरी में इनपुट हो गया, एक्सेप्ट हो गया. तो ये क्या डिफरेंस हुआ गेट सी एच और गेट सी एच ई में, कि भाई करेक्टर उसमें डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, नजर आ रहा है, और गेट सी एच में वो नजर नहीं आ रहा. अब जो थर्ड फंक्शन है गेट सी एच ए आर, उसकी तरफ मूव करते हैं. वो भी क्या है? सिंगल करेक्टर इनपुट फंक्शन. तो इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें दोनों ही चीजें हैं. जो करेक्टर हमने इनपुट कराया यूजर ने, एक तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी होगा, और खाली करेक्टर टाइप करने से एक्सेप्ट नहीं होगा, इनपुट हमारी नहीं गई मेमोरी में. लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी. जब एंटर की प्रेस करेंगे तो जो करेक्टर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा. तो दो पॉइंट इसके क्या रहे गेट सी एच ए आर के, कि करेक्टर जो हमने इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, साथ में इट वेट्स फॉर द एंटर की. जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे जो हमारा डाटा है वो इनपुट नहीं होगा. अब हमने इनके ये जो डिफरेंसेस है इस स्क्रीन पे लर्न कर लिए. अब हम क्या देखने की कोशिश करेंगे? इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि हम टाइप करेंगे प्रोग्राम, उसमें अपने इन फंक्शंस को यूज करेंगे, तो और देखेंगे कि रन करने पे तीनों ही फंक्शंस को जब यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है. तो ये प्रोग्राम हम एक सैम्पल प्रोग्राम ले रहे हैं. इसमें हमने क्या ले लिया? एक करेक्टर वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा हमने सी एच. स्टेटमेंट यूज की हमने सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच.
यानी जो हम इनपुट कराएंगे, जो फंक्शन से जो करेक्टर इनपुट होगा वो कहाँ जाएगा, सी एच नाम के वेरिएबल में, सी एच इज इक्वल टू गेट सी। अब जो दूसरा गेट सी एच था वो किस लिए था, आउटपुट हमें जैसे ये स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, करेक्टर हम प्रेस कर चुके हैं बट वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, एक्सेप्ट हो गया है, एंटर की प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कर्सर यहाँ क्यों रुका है, दूसरे गेट सी एच की वजह से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि करेक्टर हमने इनपुट कर दिया है यहाँ पे, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इसमें हम ऐड करते हैं थर्ड नंबर पे, वो क्या है, पुट कैर और ब्रैकेट में यूज किया हमने सी एच। ये पुट कैर क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है करेक्टर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए, सिंगल करेक्टर को। तो हमने क्या लिखा, पुट कैर सी एच, यानी जो सी एच में करेक्टर जाए वो सिर्फ जाके स्टोर ना हो जाए, हमें स्क्रीन के ऊपर नजर भी आए। अब ये चेंजेस करने के बाद जो ये नेक्स्ट गेट सी एच है वो किस लिए, स्क्रीन को रोकने के लिए। ये चेंजेस करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा कि पहले सिचुएशन में जब हमने गेट सी एच लगाया था और अब पुट कैर के बाद क्या फर्क आता है। तो ये ऑफ कोर्स उसी लिए गेट सी एच जो लास्ट वाला है स्क्रीन को पॉज करने के। तो हमने ये कंपाइल किया, रन किया, अब हम क्या करेंगे, यस ए हमने जो है करेक्टर दिया और अब ये किस लिए डिस्प्ले हो रहा है, गेट सी एच की वजह से नहीं, पुट कैर की वजह से। जो करेक्टर हमने इनपुट कराया वो क्या था, ए, और क्यों आ रहा है ये, पुट कैर की वजह से स्क्रीन पे। ये जो हमने स्टेटमेंट यूज करी थी, अब नेक्स्ट हम किसका देखेंगे, गेट सी एच ई लिखने से क्या चेंज आता है। तो हमने लिखा सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई, कंपाइल किया, रन किया, एंड एक करेक्टर हम जो है वो इनपुट कराते हैं और गेट सी एच ई और गेट सी एच में क्या डिफरेंस है वो हमें पता लग जाए। करेक्टर हमने इनपुट किया जी, दो जी किस लिए आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्रीन पे, टू जी आर डिस्प्ले। पहला जी जो गेट सी एच के साथ ई लिखा है उसकी वजह से, ई मीन्स इको, जो करेक्टर इनपुट कराया वो साथ के साथ स्क्रीन पे भी आया, और करेक्टर कौन सा इनपुट कराया, जी, वो कहाँ चला गया, सी एच में, और पुट कैर सी एच की वजह से वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसीलिए कितने जी आ रहे हैं, टू। नेक्स्ट वी आर यूजिंग गेट सी एच ए आर, अभी तक हमने कहीं भी एंटर प्रेस नहीं किया, अब हम देखते हैं गेट सी एच ए आर से क्या होता है। अगेन हम इसको रन करके देख रहे हैं, करेक्टर हमसे ये इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने करेक्टर टाइप किया एम, नाउ अगले वाला एम तब तक नहीं आएगा जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गेट कैर फंक्शन यूज किया है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं नेक्स्ट एम डिस्प्ले हो जाता है, क्यों, गेट कैर की वजह से इसने एम लिया, एंटर प्रेस किया तो एक्सेप्ट हुआ और पुट कैर की वजह से वो एम डिस्प्ले हो गया, और ये गेट सी एच हमारा वही स्क्रीन को पॉज कर देगा। तो हमने क्या सीखा आज, तीन इनपुट फंक्शंस में ये जो डिफरेंसेस हैं, जो कि तीनों ही सिंगल करेक्टर के लिए हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है वो आज की क्लास से हमने लर्न कर लिया। थैंक यू सो मच।